नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में केरल के सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में केरल कैबिनेट ने सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। यह सत्तारूढ़ सरकार द्वारा आगे बढ़ाई जा रही बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में से एक है। अब जान लेते हैं सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में। यह एक सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट है। यह राज्य के उत्तरी छोर कासरगोड को राज्य के दक्षिणी छोर तिरुवनंतपुरम से जोड़ता है। इसका मकसद राज्य के उत्तरी एवं दक्षिणी छोर के बीच यात्रा के समय को कम करना है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 63,940 करोड़ रुपए है। रेलवे कॉरिडोर की लंबाई 529.45 किलोमीटर है। यह 11 जिलों से होकर गुजरेगा एवं इसमें 11 रेलवे स्टेशन होंगे। जब यह प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी तो राज्य के दक्षिणी और उत्तरी छोर के बीच की दूरी तय करने में 200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे से भी कम का समय लगेगा। वर्तमान में यह दूरी रेलवे से तय करने में 12 घंटे का समय लगता है। 2025 तक इसे पूरा होने की उम्मीद है। ट्रेन की अधिकतम स्पीड 220 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब जान लेते हैं इससे जुड़ी कुछ अन्य प्रमुख बातें। इसका क्रियान्वयन केरल रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। केरल रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को के रेल भी कहा जाता है। के रेल केरल सरकार और रेल मंत्रालय का जॉइंट वेंचर है। केरल में मौजूदा रेलवे लाइन भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में असक्षम है, इसीलिए इस प्रोजेक्ट को लाने की जरूरत पड़ी। मौजूदा रेलवे लाइन काफी मुड़ी हुई है, जिसके कारण ज्यादा ट्रेनों की औसतन चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसी वजह से यात्रा में अधिक समय लगता है। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। केरल के सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका मकसद राज्य के उत्तरी एवं दक्षिणी छोर के बीच यात्रा के समय को कम करना है। दूसरा, यह एक सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।